नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों उज्जैन मंडी के आलू प्याज और लहसुन के भाव की रिपोर्ट देखेंगे। दोस्तों आज है 29 नवंबर 2021। दोस्तों चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं, सबसे पहले प्याज की आवक की बात करें तो 10,000 कट्टे लगभग आवक देखने को मिली है। एक्स्ट्रा सुपर प्याज हैं वो 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। सुपर क्वालिटी के प्याज की बात करें तो 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है और एवरेज क्वालिटी 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। गोल्टा क्वालिटी की बात करें तो 900 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है और गोल्टी क्वालिटी 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। चाटन प्याज 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। दोस्तों प्याज में तेजी मंदी की बात करें तो प्याज के भाव आज उज्जैन मंडी में डाउन देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आलू की आवक 4000 प्लस कट्टे की लगभग देखने को मिली है। सुपर क्वालिटी का आलू 500 से 650 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और गुल्ला आलू 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। चरी आलू की बात करें तो 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और छाटन आलू 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। दोस्तों आलू के भाव समान देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लहसुन की आवक 3500 प्लस कट्टे के लगभग देखने को मिली है। सुपर क्वालिटी का लहसुन 2500 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और मीडियम क्वालिटी के लहसुन की बात करें तो 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। गोल्टी लहसुन 700 से 900 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है दोस्तों। और लहसुन में तेजी मंदी की बात करें तो दोस्तों उज्जैन मंडी में आज लहसुन में थोड़ी बहुत तेजी 200 से 300 रुपये की तेजी बनती हुई दिखाई दी है दोस्तों। तो ये थे उज्जैन मंडी के आलू प्याज लहसुन के भाव की पूरी रिपोर्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। धन्यवाद।